ये गाना तुम्हारे पिताजी को बहुत पसंद था। जब भी उनकी याद आती है पीछे से ये गाना बजता रहता है। अप्पू राज मौके का इंतजार कर रहा है तुम्हें उड़ाने के लिए। मौका कभी अपने आप नहीं आएगा, उसे हमें बनाना पड़ता है। इसे वो नहीं समझ सका। सालों साल से तुम्हारा परिवार हमारा साथ देता आ रहा है। शिवजी के सामने नंदी की तरह हमेशा मेरे साथ रहता था तेरा पिता। एक मक्खी को भी मुझ तक भटकने नहीं देता था। अप्पू राज का आखिरी बेटा प्रसाद बड़े गुस्से में है। उसका गुस्सा लकड़ियों के साथ जल जाएगा। इस शरीर को नहीं जला सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तुम गाना सुनो, मैं अभी आता हूं। चलो। तेरा पिता तो अच्छा है लेकिन उसकी नीयत खराब है। उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, हमें ही इलाज करना पड़ेगा। पानी खरीदने तक की नौबत आ गई है। अब दुश्मनी क्या चीज है, फिर भी तुम मानने वाले नहीं। मौत का भी एक तरीका होता है। बेटे को पहले नहीं मरना चाहिए, छोड़ दो इसे। रत्नों का गाव है ये मेरा, प्यार मोहब्बत से भरा। आशा से चलो देखे हम सुबह की सूरज को। आ गया है देखो मन मौजी जोश रंगीला। बोलो तो कुछ कर जाएगा पर रुकना मकसद नहीं इसका। मानेगा नहीं चाहे कोई कुछ भी कर ले, इस गांव के लोगों से डरता है ये। मतलब अपना फिर भी निकाले। उबलता खून हमारा जब देख के घबरा जाए। हम छोड़ते नहीं कभी किसी को, इस गांव के रखवाले हैं। आजा आजा यार मुसीबतों से अब डरना क्या। आजा आजा यार अब जो भी होगा देखा जाएगा। आजा आजा यार मुसीबतों से अब डरना क्या। आजा आजा यार अब जो भी होगा देखा जाएगा। सस सस स गरी सरी सा रेगा मगरी सा मगरी सा सा सस सस स गरी सरी सा रेगा मगरी का मगरी सरी सा 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 री 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 मा मा री सा कृष्ण तो है मैं नहीं हूँ पर पीछे से रथ चलाऊंगा मैं। बुद्ध के है जैसे मैं शांति का प्रस्ताव लाऊंगा। अरे बाबा जब पकड़ू तो फूल भी तो खिल जाए बम जैसे। यहाँ पुत्रा भी जब देखे मुझे चाकू लेके मेरे पीछे पड़ जाए यार। हम यहाँ के शहजादे हार किसी से न माने। कोई जो मारने आया तो प्यार से उसे हम
समझाए। कृष्णा हमारा कुछ नहीं है, करण के छोटे भाई हम। आजा आजा यार, मुसीबतों से अब डरना क्या। आजा आजा यार, अब जो भी होगा देखा जाएगा। आ गया है देखो मनमौजी जोश रंगीला, बोलो तो कुछ कर जाएगा। पर रुकना मकसद नहीं इसका, तो बलता खून हमारा सब देख के घबरा जाए। हम छोड़ते नहीं कभी किसी को, इस गांव के रखवाले हैं हम। आजा आजा यार, उसी को तुझे अब डरना क्या। आजा आजा यार, अब जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ बोल भाई। कृष्णा, अरे कहाँ यार, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अरे बचा ले भाई। अरे मैं तो इस वक्त शहर में हूँ यार। अरे मैं यहाँ मुसीबत में हूँ, तू शहर में है? हेलो 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 हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है? मैं आओ, अब इतनी जल्दी भाग के आ गया? नहीं नहीं, उन्हें मैं साथ में लाया हूँ। ए यहाँ पे आओ, जल्दी आओ। अरे बाप रे, ए कृष्णा, ए रुक। अबे चल, क्या मुसीबत में फंसा दिया। अबे उमेश, मेरा नाम राजेश है। उमेश उन लोगों के लिए कह रहा था, क्रिकेट बैटिंग करने से मना किया था ना। बैटिंग नहीं लगाई थी, अपने हीरो के लिए लगाई थी। किसने कहा था ऐसा? वो जीतेगा नहीं किसने कहा था? इंदुपुर में हमारा हीरो नहीं जीतेगा ऐसा किसने कहा था? मैं नहीं। ये! देखा तुम लोगों ने, हमारे एरिया में हमारे हीरो के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच्चे भी भगा भगा के मारते हैं। तो भला मैं मार के क्या करूंगा, जो करेंगे वही करेंगे। ए, चल फोन लगा। देखो एक ही तरफ देखो, दूसरी तरफ देखने की कोशिश मत करना, मुसीबत आ जाएगी, जल जाएगा। यार तूने तो कमाल कर दिया, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हिम्मत मेरा सिर, अपने हीरो के बारे में बोलने पर जनता भड़क जाती है ये पता था, तो उन्हें भड़काने पे हम भी भड़क गए। अप्पू राज की इज्जत मिट्टी में मिल गई। दामाद जी, इसकी मां ने 5 लड़कों को पैदा करके बड़े प्यार से पाला उन्हें। पांडवों के जैसे राज्य करेंगे ऐसा सोचा था उसने, लेकिन मेरे 3 बेटों को एक ही दिन में मिट्टी में मिला दिया उस राजनाथ ने। मेरा चौथा बेटा, धर्म उनकी तरफ है यह कहकर मुझे ही नीति का बोध कराने लगा था। आखिर उसके याद में समाधियां बनाने तक वो चुप नहीं रहा और मारा गया वो। और ये बेकार नालायक उससे प्राणों की भीख लेकर जिंदा वापस आ गया। ऐसा नालायक बेटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मारी चाहिए जिसने रावण के लिए हिरण का रूप ले लिया था। अब तो तुम हमारे बारे में सबको जान गए हो ना, मेरी बेटी तो मैं तुम्हें दूंगा ही, साथ में तुम हमारे वारिस भी बनोगे। मेरी जायदाद भी तुम्हारी है और मेरी दुश्मनी भी तुम्हारी है। वचन दो बेटा, उस राजनाथ को और उसके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला दोगे, ऐसा वचन दो बेटा। हाँ।
अगर दामाद पर इतना प्यार है तो इसे जायदाद दो पिताजी, लेकिन दुश्मनी सिर्फ मेरी है। यही आखिरी मौका है रामराज, ये लो 40 लाख रुपए, बाकी अगले महीने इकट्ठे करके दे दूंगा। ये बात राजनाथ के कान में और मुझे छाछ पिलाओ, गला बहुत सूख रहा है। hey. वैसे तुम शादी कब करोगे? दाढ़ी भी सफेद हो रही है। हमारे गांव में बहुत अच्छा रिश्ता है, एक बार हाँ कहो तो बात कर लेता हूँ। छाछ पी ली ना तुमने, अब निकलो यहाँ से। hey, भैया पैसे घर पे पहुँचा दो। अरे मैंने गलत क्या बोला, शादी तो करने को बोल रहा हूँ। लगता है आप मामला नहीं जानते हैं, महालक्ष्मी नाम की एक बहन है इसकी, उसकी शादी किए बिना ये करेंगे तो अच्छा नहीं होगा ना। तो करते क्यों नहीं, कुंडली में कोई दोष है क्या? ग्रहों ने भी हाथ उठा लिया, हर मंदिर में जाके पूजा करवाई। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्वक्नम गुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस दंड से तुम्हें मुझे बचाना ही होगा, भूलना मत। चाचू चाचू, तुझे क्यों बांध रखा है, चल बाहर जा। क्यों बे, इतनी धार बहुत है क्या तलवार से सर उड़ाने के लिए? सर कट के नीचे आ जाएगा। ए, ये तू क्या कर रही है, लड़की के हाथ में हमेशा करछी अच्छी लगती है, तलवार नहीं। दादी माँ वो सब तो आप जैसी औरतों के लिए है, महालक्ष्मी के लिए नहीं। चाचू कहाँ है? पीछे आंगन में होंगे, जा। चाचू चाचू आप आइए मेरे साथ। अरे अरे क्या हुआ बेटी, जल्दी चलो मेरे साथ। कहाँ कहाँ क्या मतलब, आप सब कुछ भूल गए चाचू? जन्मदिन तो परसों हो गया और इसे सियानी हुए भी काफी साल हो गए। ओ अच्छा, कहीं फिर से परीक्षा है क्या? परीक्षा परीक्षा हाँ? परीक्षा बिल्कुल, इंग्लिश एग्जाम। आपसे मिले बिना कभी एग्जाम देने गई क्या मैं? तेरी पढ़ाई के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन तेरी परीक्षा में आते जाते तेरे चाचू के घुटनों में दर्द हो गया, लेकिन तुझे तो डिग्री नहीं मिली। चुप रहिए, डिग्री का मतलब टीवी देखते हुए सेब खाने जितना आसान समझ रही है क्या? सुनो, पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गई, मेरी बात मानो, तुम शादी कर लो। चाचू बताया था ना मैं बता चुकी हूँ ना, डिग्री पास किए बिना मैं शादी नहीं करूँगी। मेरी शादी के कार्ड पर महालक्ष्मी बीए होना ही चाहिए। तेरी बेकार डिग्री तू लेगी कब, और मैं कब तेरी शादी देख के मरूंगी? इस साल में पास होके रहूंगी और शादी भी करूंगी, और तुम अगर नहीं मरी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। कांता भाई से लफड़ा छोड़ो, तुम आओ मैं छोड़ता हूं। समझ गई ना? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रार्थना मंदिर में होनी चाहिए और कॉलेज में होनी चाहिए सिर्फ पढ़ाई, यहाँ परीक्षा देने आई हो वो काम करो। सर 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 सर, हे महालक्ष्मी। अरे तुम यहाँ कैसे? सर्टिफिकेट्स लेने आई हूँ यहाँ। अरे बताना भूल गई मैं, मेरी शादी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। सुपर। सुन अगर शादी में नहीं आई तो मार डालूंगी। मार देना और क्या। ओह सॉरी सॉरी, मैं बाद में कॉल करती हूँ। आई लव यू टू। घर पर बुढ़िया छोड़ती नहीं है, बस मेरी शादी को लेके बैठी हुई है। हे भगवान, पास होने का तो चांस ही नहीं है, डेफिनेटली फेल हो जाऊंगी। एक क्वेश्चन का भी ठीक से आंसर नहीं लिखा मैंने। क्या लिखा मैंने? 15 डिजाइन बनाए हैं, यहाँ 21, यहाँ 36, ये मैं हूँ। ओ हमारे हीरो, हमारे दिलों के सुपर हीरो। अरे महालक्ष्मी, लगता है एग्जाम खत्म हो गए हैं। इस बार पास हो जाओगी या इंग्लिश में फिर से लटकोगी? अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बोलो, मैं आ जाऊंगा और तुम्हें अच्छी तरह सिखा दूंगा इंग्लिश। हेल्प? वो भी तुम मुझे करोगे? जरा मुझे तुम वीक की स्पेलिंग बताओ। इस वीक की या लास्ट वीक की?
देखा मेरे इंग्लिश के कितने फैंस हैं। यहाँ एक बेकार बंदा मेरा दिमाग खराब है, तू फोन रख मैं बाद में कॉल करती हूँ। कौन है वो फोन पे? लवर है? चाहे कोई भी हो तुम्हें क्या लेना देना। देखा लवर है तभी तो इतना भड़क रही है। वैसे मुझे छोड़कर तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई नहीं, कोई एक हो तो बता दो, सिर्फ एक को। महालक्ष्मी को अगर ओके है तो मुझे भी ओके है। हाथ नीचे कर राजेश, इज्जत का कचरा हो रहा है, हाथ नीचे कर। समझ गया ना, बस मेरी ओके करने की देर है। मुझसे प्यार करने के लिए तुम जैसे ना जाने कितने सारे लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। अच्छा तो आज मुझको भी इनके साथ शामिल कर रही हो? मैं तो उनमें से एक ही हो, क्यों? देखो इनके साथ मुझे मत मिलाओ। हाँ तुम यहीं रुको, अभी बताता हूँ। वो बैग देना जरा। बॉल कहाँ है? अरे जल्दी ला बॉल। बॉल दो, इस बैट से घुमाऊंगा ना तो छक्का जाएगा। हाँ बॉल डाल, गाड़ी पे बैठो, बॉल डालना। अरे कहाँ देखता है, इधर देखना। नहीं अरे उसका भाई आया है। मेरे पिताजी ने थिएटर लिया है या ऑपरेटर की मुझे नौकरी दी है कुछ समझ में नहीं आता। कृष्णा को क्या हुआ यार, रामराज को देखते कांपने लगता है, महालक्ष्मी सामने आते हैं तो लड़ता है। वो बचपन से ऐसे ही है, हम एक साथ पढ़े हैं। वो सब बताना है तो 15 साल पीछे जाना पड़ेगा हमें। महालक्ष्मी को किसी ने आई लव यू कहा था? तुम में से कौन है जो मेरी बहन से प्यार करता है? हा? और किसने कहा मेरी बहन को आई लव यू? तुमने ही ना? वो मैं ही था। बोल बे। देख मेरा हाल क्या हुआ था। ए कृष्णा मुझे तुम पर ही शक है। छे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उसको देखने से उल्टी आती है। बस उस दिन से इंडिया पाकिस्तान की तरह लड़ते रहते हैं। वैसे महालक्ष्मी को आई लव यू किसने कहा था? आज तक वो राज राज ही रह गया। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या इतने सारे लोगों के सामने मुझे? छी मुझसे बात मत करो। अरे बाप रे, तो फिर क्या करूं बोलो, गले लगा कर चुम्मी लेता क्या? अच्छा ठीक है, अब क्या है? हमारे बारे में तुम्हारे भाई को पता चला तो तुम्हारा एग्जाम में ड्राइंग डालना तो छोड़ो, मेरी फोटो पर माला डालनी होगी, तभी तो ये ड्रामा। ये कोई ड्रामा नहीं है, टीवी सीरियल लग रहा है, 15 साल से हमारे बीच चल रहा है। हमारे प्यार की कहानी किसी को भी पता नहीं है सिवाय हमारे दिल के। अपने भैया को तो बता सकती हो ना। आखिर मेरे भाई ने जब तुमसे पूछा था कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो तो तभी तुम बोल देते कि हाँ करता हूँ। हाँ हो जाता खत्म, मुझे मरे 15 साल हो जाते। जब इतना डरते हो तो मुझसे प्यार क्यों किया तुमने? तुमसे प्यार करने के बाद ही जान प्यारी लगने लगी है और डर भी बढ़ गया है। मेरा डर, मेरी हिम्मत, सब कुछ तुम ही तो हो महालक्ष्मी। मेरी हंसी तुम हो, मेरा सपना तुम हो, हम दोनों बस एक हैं जान लो। वादा ये कर देना साथ ना छोड़ना, मेरे तुम हो जाना ये जान लो। जहाँ भी तुम जाओ साथ रहूं तेरे, दूरी ना होगी ये जान लो। जाने ना दूंगी अब छोड़ो ना साथ तेरा, जन्मों का बंधन है ये जान लो। तेरी नजरों ने ऐसा इशारा किया, तुझसे मिलके ये दिल मेरा मंदिर बना। तू है मेरी जान, मैं हूँ तेरी जान, आओ एक दूजे में खो जाए। ये बारिश मेघ बिछड़े न कभी, साथ ही साथ बरसते जाते, ऐसे ही बिछड़े ना हम दोनों, कभी भी जीवन भर रहेगा हम दोनों का प्यार। ये बारिश मेघ बिछड़े न कभी, साथ ही साथ बरसते जाते, ऐसे ही बिछड़े ना हम दोनों, कभी भी जीवन भर रहेगा हम दोनों का प्यार।
आना चाहूं तेरे घर, दरवाजा जब तू खोले। ना था समझ के आने दिया तो चुम्मी लेके मार ही डाला तूने। तुम और हम एक है, एक दूजे में है, ये सच हमेशा रहेगा हमें। बंधन हमारा ना छूटेगा, हर पल यूं ही साथ रहना। ये वादा करे, इसे पूरा कर ले, अंत होगा नहीं प्यार का। प्यार ये बंधन, दोनों का बंधन, दुनिया को ही बदल डालेगा। संग संग धरती पर जागा है दोनों का प्यार। तेरे भाई को तो बिल्कुल फिकर नहीं है कि घर में एक जवान बहन है और तू भी लड़कों की तरह दिन भर बाहर घूमेगी तो यही होगा ना। सुनो रामराज, उस कृष्णा को समझा दो, कभी हमारी लड़की की तरफ देखा तो टांगे तोड़ देंगे। समझाना क्या है, तोड़वा ही देते हैं। अगर उसको कुछ किया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। तुम लोगों के लफड़े तुम ही संभालो, ये मेरा और उसका आपसी मामला है। हम दोनों एक साथ पड़े हैं, मैं देख लूंगी, हमारे बीच हजार बातें होती हैं। ऐसा क्या है दोनों के बीच में, मुझे भी बता। ये लड़की बिल्कुल नहीं सुनती, पैर पर लगी है पर इसे चैन नहीं। आजकल वो बहुत ज्यादा उछलने लगा है, आप एक बार हाँ कह दीजिए मैं उसके हाथ पैर तोड़ देता हूँ। पीछे पड़ने वाले के हाथ पैर तोड़ने चाहिए, और जो प्यार व्यार कह के पीछे पड़ता है उसे मारना चाहिए। वो डरपोक है, बुरा आदमी नहीं है, उसे छोड़ दो। क्यों, तुझे देख के तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तू कृष्णा से लड़ती है, मुझे तो लगता है कुछ और ही बात है। सुनो, मर जाऊंगी ऐसा कहती रहती हो, तुम पहले उसी काम पर लग जाओ, लेकिन मुझे मत मारो। सर सामा का लोकेशन ट्रैक हो गया सर, होल सिटी ग्रीन लेन रूम नंबर 12। हेलो हेलो, ए रोको। उसके पास गन भी है। अरे ओ सांभा, पूजा कर रहे हो क्या? क्या मांगा शिव जी से? बोल ना सांभा, कुछ तो मांगा होगा ना। क्या ढूंढ रहे हो सांभा? गन? सामा नाम रखकर तुम अपने आप को शिवजी का खास समझने लगे,
भगवान तो अभी बदले नहीं, नालायकों को भी वर देते हैं। ये मामूली नालायक नहीं है सर, बहुत बड़ा चोर है। इसने अपने भाई के साथ मिलकर 26 किडनैपिंग की है और 18 मर्डर्स। 10 दिन से तुझे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे और तू यहाँ छुपा हुआ है। चल तुझे शिव जी से मिलाते हैं। पापा देखेंगे तो डांटेंगे, जल्दी से पी लो। डोंट शाउट, पियो। एसीपी श्रीकांत, हमारे शहर में इन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये है हमारे आज के गेस्ट। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपकी कोई वीकनेस नहीं है और पॉलिटिकल प्रेशर की आप केयर भी नहीं करते हैं और ना ही आप पैसों के आगे झुकते हैं। सीधी बात करें तो आप बहुत ही स्टबन हैं, ऐसा हमने सुना है। एनी कमेंट? डिसिप्लिन से काम करने वालों को जिद्दी कहते हैं। चाहे कोई भी प्रेशर आ जाए, मैं किसी के आगे नहीं झुकता, पैसों के आगे भी नहीं झुकता हूँ। मेरे पुरखों की इतनी जायदाद है कि 7 पीढ़ियां खा सकती है। सॉरी, ये मेरे बच्चे हैं। मेरी पूरी शक्ति मेरे बच्चे ही हैं। दे आर माई वर्ल्ड। जाओ, गुड डे, बाय। मम्मी। श्रीकांत। हाँ। लगता है वो ब्रह्म राक्षसी उठ गई है, जरा उसे देखिए तो। ओके, गुड मॉर्निंग। पापा, जस्सी ने मेरे बेड पर सूसू कर दिया है। सच कह रही हूँ, चाहो तो जस्सी से पूछ लो। जस्सी इज अ बैड गर्ल। तुम ओवर एक्टिंग मत करो। अगर मैं बीच में नहीं आती तो अब तक तुम्हारे हाथ पैर ही नहीं होते, पता है? असल में तुमसे प्यार नहीं किया होता तो इतने लफड़े ही नहीं होते, पता है? इसका मतलब सारे झगड़े मेरी वजह से होते हैं। तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूंगा, अब खुश हो? एक चुम्मी दे दो ना। वो सब शादी के बाद मैंने बताया था ना। अरे फोन पे ही शुरू हो गई। आजकल के लोग तो फोन पे क्या क्या कर डालते हैं पता है? जानती हो तुम, ऊपर से पढ़ी लिखी हो फिर भी बार बार बोलती हो। तेरी वजह से इंग्लिश के एग्जाम में फेल होना बड़ा बेकार लग रहा है। फोन पे इतनी रात गए क्या कर रही हो? और किससे? फोन थोड़े ना, मैं तो गाने सुन रही हूँ, गाने। अरे वाह, क्या झूठ बोल रही है। बहुत हुआ सुनना, आप जाके सो जा। हाँ ठीक है। साले साहब उस पे भरोसा मत करना, झूठी है वो। ए चुप, देख रहा हूँ कब से उनकी बढ़ाई कर रही हो, एक बार फोन तो दो। बढ़िया सा मुहूर्त है, अपनी बात कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, देती हूँ, एक मिनट। भैया। साले जी। क्या है? पीने के लिए पानी चाहिए क्या? उससे ऐसी पीने मेरे भाई सामा को अरेस्ट किया है, कुछ करो तुम। तुम बिना बात उससे मत टकराओ। वो पकड़ता है लेकिन कोर्ट तक खबर नहीं जाती, मार डालता है लेकिन दुनिया को पता तक नहीं चलता। उससे मत उलझो, कम से कम तुम तो बच सकते हो, नहीं तो तुम भी इस मिसिंग लिस्ट में आ जाओगे। हाफ सेंचुरी के आसपास आ गए हैं सर। तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? हम तो बोर होने पर सिर्फ दारू पीते हैं। उसका एक बड़ा भाई है, नाम है राजनाथ। वो बोर होता है तो सीएम के साथ चेस खेलता है, वो भी फोन पर। ये है उसकी रेंज। वन सेकेंड। हाँ भैया। क्यों भाई, बच्चे सो गए क्या? मैं ड्यूटी पर हूँ, फोन करवा दो क्या? नहीं नहीं, उसका जन्मदिन है, तुझे याद है ना? हाँ। कल ड्यूटी का बहाना मत करना, बच्चों के साथ रहना। ठीक है भैया। हेलो एसीपी, तुझे 2 घंटे का समय देता हूँ। मेरे भाई को छोड़ देगा तो ठीक है, नहीं तो तेरे डीसीपी को मार दूंगा। अरे 2 घंटे क्यों, बस 10 मिनट में छोड़ देता हूँ। अगर उसे मार देगा तो। फोर्टी नाइन। चलो शुरू करो। अरे बेटे कृष्णा, इस बार तो पानी निकलेगा ना? चिंता मत करो, पाताल से भी पानी निकाल दूंगा। ये बात है, अरे फिक्र मत करो, कृष्णा है ना। बोलो महालक्ष्मी। पहले वो सिगरेट फेंक दो, बातों में भी सिगरेट की बदबू आती है। हाँ? इसने कहाँ से देख लिया? वहाँ खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है, चल ना। मैं कोई तमाशा नहीं देख रही, स्टाइल मत मारो। कहाँ चली गई?
कितनी बेकार सीढ़ियां हैं और इन पत्थरों पर तो चलना मुश्किल हो रहा है। चलो चलो जल्दी करो, चलो यहाँ से। क्यों यार, मुझे ही ढूंढ रहा था ना। वैसे भाई आजकल रात को ही नहीं, हाँ, दिन में भी नजर नहीं आ रहा है, क्या बात हो है? गया यार। अरे याद आया, अपना अशोक है ना, वो गांव के बाहर किसी जोड़े को देखकर तुम्हें और माँ लक्ष्मी समझ गया था। मेरा तो हंसी का फवारा छूटा। परसों मैं पूरा दिन तेरे साथ था, फिर माँ लक्ष्मी के साथ झील के पास कैसे रह सकता हूँ? झील के पास किसने कहा, मैं तो गांव के बाहर कह रहा था। अब कैसे कवर करोगे? कल तुम्हें जिसने बताया था, परसों मुझे बताया था। कल देखा था कह के उसने, परसों बताया था। मुश्किल से कवर कर रहा हूँ, तू काउंटर मत दे। ए, कवर का मतलब क्या है? यहाँ का काउंटर नहीं है, वहाँ का काउंटर है। वहाँ मतलब कहाँ? वहाँ का मतलब यहाँ नहीं, जब यहाँ नहीं है तो कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है। कभी कह रहा है यहाँ, कभी कह रहा है वहाँ। ओए नया ड्रेस, क्या लग रही है। हाँ भाई, परसों ही खरीदी है। कलर तुम्हें कितना सूट कर रहा है पता है? तुम ही बताओ ना। तुम्हें साड़ी पर देखकर तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ए सरफिरी लड़की, इधर आ। तुम इस तरह तारीफ कर रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो इसे डांट रही हूँ, कह रही है तारीफ कर रहे हो। ए, ज्यादा तारीफ मत करो भाई, नजर लग जाएगी। तू तो नजर लगने वाली गुड़िया है। मैं नजर लगने वाली गुड़िया हूँ क्या? ये यहाँ का काउंटर है, वहाँ का काउंटर नहीं है। यहाँ का मतलब वहाँ नहीं ना, तो फिर वहाँ किससे बात कर रहे? काउंटर यहाँ का है, वहाँ जो भी हो हमें क्या लेना देना। अरे बाप रे, क्यों मेरे दिल में ऐसे वैसे अरमान जगा रही है तू? ए, उस तरफ मुड़ के क्यों डांट रहा है यार? डांट नहीं रहा हूँ यार, तारीफ कर रहा हूँ। तुमने जो मेरी तारीफ की है ना, उसकी हकदार तो महालक्ष्मी है यार। देखा क्या? तूने भी देखा क्या? ये बात किसी को मत बताना। कौन सी बात? अब कि महालक्ष्मी ने मुझे आंख मारी है। नहीं, महालक्ष्मी ने तुझे आँख मारी क्योंकि तू भी उस दिन मेरे साथ में था। अब सब समझ गया मैं। नहीं, अबे तेरी तो। मारा क्यों यार? तो और क्या, मैं इससे नफरत करता हूँ और तू कहता है कि तू इससे प्यार करता है तो मुझे गुस्सा आएगा ही ना। अच्छा, इसलिए मारा क्या? इसने क्यों मारा? इसका भी मतलब है, वो क्या है? उससे प्यार करने की बात करेगा तो उसको भी तो गुस्सा आएगा ही ना, इसलिए इसने मारा। प्रेम के लिए फ्रेंडशिप छोड़ दू या प्यार के लिए फ्रेंडशिप छोड़ दू, अब क्या करें यार? दारू पीने से सब भूल जाएंगे। चल। दारू पीना तो ठीक है, मगर उसे भूल जाना, इट इज इम्पॉसिबल यार। वैसे मुझे देखकर आंख मारे मतलब वो मुझे बहुत प्यार करती होगी यार। गलत बात है यार, माँ लक्ष्मी से तो प्यार नहीं कर सकता। इसमें गलत क्या है? तुझे एक सीक्रेट बताओ, 15 साल पहले महालक्ष्मी को आई लव यू किसने कहा था पता है? मैंने। किसको बताऊं अपना दुख? मैं महालक्ष्मी से प्यार करता हूँ तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? दुख पूरा तेरे लिए तो है। अब बता, महालक्ष्मी कौन है? मेरी लवर है। रामराज की बहन है। रामराज कौन है? मेरा साला। राजनाथ का राइट हैंड है। ये बात उसे पता चलेगी तो? पता चला तो? कभी तो दारू पी के वापस घर जाते वक्त एक बार सोच ले, वो तेरे साथ क्या कर सकता है। हमेशा की तरह तू सिगरेट पीता हुआ घर जाएगा, कोई तुझे पीछे से फॉलो करेगा, बस तू एक बार मुड़ कर देखेगा, वहां कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या है? यही सोचकर तू आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन वहां कोई तेरा इंतजार कर रहा होगा। कौन? रामराज। लेफ्ट के लिए शायद। बिल्कुल, लेकिन वो रामराज नहीं, यम धर्मराज है। ये जाने बगैर उसे गाड़ी में बिठा लेगा तू। ब्रिज पर आते ही वो तुझे गाड़ी रोकने के लिए बोलेगा। किस लिए? काटने के लिए।
काटने के लिए तलवार चाहिए ना। स्कूल में बॉम्ब छुपाते वक्त तलवार ले आते हैं ना, उसके बाद गांव से बाहर ले जाकर वहां रोकने को कहेगा। वो किस लिए? पूछने से पहले तलवार गर्दन पर और तेरा सर धरती पर। नहीं नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगा। इसमें रिस्क कैसा है? या तो महालक्ष्मी मिलेगी या तो सर। मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। मुझसे महालक्ष्मी की नहीं बनती तो तू उसे प्यार नहीं कर सकता। तेरे लिए महालक्ष्मी को छोड़ना होगा ना। ओके, लेकिन एक स्मॉल चेंज, तुझे मेरे प्यार के खातिर महालक्ष्मी से दोस्ती करनी होगी। मुझे यहाँ किस लिए लाया यार? कल वादा किया था ना महालक्ष्मी से दोस्ती करने का। मैंने कब जबान दी? कुछ भी बोलता। दारू पी के तू हाँ बोल रहा था, अब उतर गए तो ना बोल रहा है। अरे भाई 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 भाई, प्लीज एक बार आग बंद कर देना मेरे खातिर। प्लीज भाई आग बंद कर दे, नहीं तो मेरे पिताजी का समय तुझे। एक दो तीन, तुम और महालक्ष्मी 15 साल से दुश्मन नहीं हो, सदियों सदियों के दोस्त हो। तुम और महालक्ष्मी एक दूसरे को देखे बिना, एक दूसरे से बात किए बिना, फिर भी बहुत गहरे दोस्त हो। केवल उसके भाई के डर से तुम महालक्ष्मी का दुश्मन होने का नाटक कर रहे हो। आज से 15 साल पहले की दुश्मनी फ्रेंडशिप में बदल रहे हो, बदल रहे हो, बदल गई। अब धीरे धीरे आँख खोल के मेरी नजर से महालक्ष्मी को देखो। महालक्ष्मी यहाँ कैसे होगी यार? है ना? ये यहाँ पे कैसे? इससे क्या लेना देना, तुम दोनों फ्रेंडशिप कर लो तो हम दोनों लवर्स हो जाएंगे। मैंने कहा था ना तू महालक्ष्मी से प्यार नहीं कर सकता। क्यों, किस लिए? Why? अबे तूने ही तो कहा था कि वो झील पर किसी के साथ घूम रही वो है। वो सब भूल जाओ। माँ कभी फ्री फ्री ने क्या कहा था पता है? जिसे प्यार करते उसकी गलतियाँ भूल जाओ। फ्री फ्री वो कौन है? ये मैं ही हूँ, मेरे कलम का नाम है। अच्छा है, अबे तू भूल जाओ उसे, वो किसी और से प्यार करती है। किससे? किसी नालायक से। अरे बाप रे भागो, ये तो आपसे मामला है। उसको मारूं या कुछ भी करूं उस पर मेरा ही हक है, समझे? मुझे नालायक कहा तो महालक्ष्मी सह नहीं पाई। तू फील मत करना, मैं समझा दूंगा उसे। ए राजेश, हाँ, उसने मुझे थप्पड़ मार कर उस नालायक से प्यार करती हूँ कहा है यार। हाँ यार, मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते हैं कि मुझ जैसा नालायक पूरी दुनिया में नहीं। मैंने सोचा तेरा रिमोट नहीं है, तेरा तो पूरा टीवी नहीं है। नमस्ते 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 बड़े साहब। नमस्कार। नमस्ते 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 साहब। हेलो, अरे वो डेंजर आदमी है। तो क्या हुआ, बोल दे उसको, डरते हैं क्या? हम पर हाथ डालेगा ना। हेलो, चलो थिएटर में रील आ गई क्या? वरना लफड़ा हो जाएगा उनके फैंस के साथ। हाँ स्वामी, तुम बड़े हिम्मत वाले हो ना, उसमें से थोड़ी सी हिम्मत मेरी कृष्णा को भी दे दो ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे मंदिर के 11 प्रदक्षिणा करूंगी। स्वामी आपने कमाल कर दिया, इतनी जल्दी मन्नत पूरी कर दी। गांव में नहीं, गांव से बाहर चलो। अभी इसको फोन करना था। उठा के बात करो। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ बोलो ना। ये क्या, भैया के साथ हो तू? इतनी मासूमियत कैसे? सिचुएशन देख कर ही तो फोन किया होगा। दोनों की जोड़ी बहुत खूब है कृष्णा, टाइम आने पर सब ठीक हो जाएगा, तुम कहते थे ना। आज तक मैंने तुम्हें भैया के इतने करीब कभी नहीं देखा। जल्दी से हम दोनों की बात कर रहे हैं। क्या है कि बताने के लिए सही सीन नहीं है, बताने के बाद सीन क्रिएट होगा। अब बात करो। हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया है तुम्हें? लगता है तेरी शादी में मैं नहीं आ पाऊंगा। तू शादी करके बच्चे पैदा करके खुश रहे। मार डालूंगी अगर आइंदा ऐसी बात की तो। तुम्हारे बगैर मेरी शादी हो सकती है क्या? अब क्या है, ये अगर नहीं आया तो शादी नहीं होगी। रखो फोन। गला सूख गया है, एक बार और दीजिए पंडित जी। भाई वो लगता है जरूरी कॉल होगा, एक बार अटेंड कर लूं क्या? बात कर ले। भाई कहाँ है तू? हाँ भाई, वो क्या है कि मैं रामराज जी के साथ गांव की सीमा तक जा रहा हूँ। गांव की सीमा तक? चाहे कुछ भी हो जाए ब्रिज के पास मत रोकना भाई। ब्रिज के पास रोको। अब चलो।
रोको। मैं तो युद्ध ही नहीं चाहता। ये धर्म युद्ध कैसा है भैया? एक दूसरे को मार दिया क्यों हारी आज क्यों? ऐसा करने वालों से अच्छा है भला करने वाला। सर झुके वीर है, वीरता निर्भय है। अर्जुन को भी करने से रोका था डर नहीं। भगवत गीता में भी इसका महत्व बताया डर का बना है। बचाते हुए भी कांप के क्यों हाथी ये तेरे मासूमियत से ये हंसता भी है। मासूमियत से ये हंसता भी है। हैवान को भी हाथ में ना उठाए है तू। तलवार से शांति का दूरी है, तू जीना शांति से ही तो तेरा डर है। जान लेने का सहर करने से बेहतर है डर, युद्ध के डर से डर जा। ये भी डर है और बचाते हुए भी कांपते क्यों हाथी ये तेरे। अप्पू राज के बेटे ने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। भैया ये खून कैसा? कुछ नहीं। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे क्या होगा? कृष्णा को भी कुछ नहीं हुआ ना? खाना लगा। क्यों आई हो? आते हुए किसी ने देखा क्या तुम्हें? अरे फोन तो करती, मैं आके मिल लेता। ये यहाँ आ रही खून से लथपथ भैया को देखा तो पता है क्या हुआ मुझे? मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा तुम्हें किसी और लड़की से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी संवार दे। मुझे छोड़ दो। छोड़ दिया। पहले अपने आंसू पोंछ लो, बाकी के लोग रोएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर तुम रोओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और अगर तुम हंसोगी? अगर हंसू तो? हाँ, तो मुझे तुम एक थप्पड़। तुम्हें मारने और डांटने का हक मेरा ही है। सब शादी के बाद ही कहा था ना मैंने? कहा था तुमने, बहुत बार कहा था। मैंने ये पिछले महीने ही खरीदा था तुम्हारे लिए। सुपर। अभी मन्नी और शशि रेखा की शादी कितनी धूमधाम से हुई थी पता है तुम्हें? मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमारे गांव में शशि रेखा है कौन? ओफो, हमारे गांव में नहीं, वो उस फिल्म में देखा था मैंने। ओ, उस फिल्म में जिसमें कृष्णा था? हाँ, हमारे गांव में तो मैं हूँ। अब्दुल अजीम अल हकीम मोहम्मद बिन सैयद अलायस डेविड इब्राहिम, इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, मुंबई ब्लास्ट, टेररिस्ट एक्टिविटीज, नारकोटिक क्राइम,
इस तरह के पूरे 86 केस उन पर फाइल हुए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक हमें खबर मिली है कि वो इंडिया आ रहा है। अभी इंडिया जाना क्या जरूरी है भाई? वो कहाँ आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता। सिटी पुलिस अलर्ट हो गई है। सत्या, डेविड भाई की इंडिया आने की खबर है। यहाँ किसी स्कूल के बच्चे से पूछो तो बता देगा। अब उसका आना जरूरी है। ऑलरेडी वो निकल गए हैं। उसे इंडिया छोड़े कई साल हो गए हैं। वो कैसा दिखता है ये किसी को नहीं पता। ओ, ऐसे हम उनको पहचानूंगा कैसे? वो तुम्हें पहचान लेंगे। हमारे पास जो डेविड की तस्वीर है वो भी 20 साल पुरानी है। हाँ सत्या, तुमने कहा था कि भाई हमको पहचान लेंगे। फ्लाइट आके तो एक घंटा हो गया है। आ, दिखता नहीं है क्या? जा। You don't worry, सत्या, he's safe. You relax now. पिछले 20 दिनों की स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन के बाद मुंबई कमिश्नर ने पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा कि डेविड इब्राहिम का इंडिया में आना नामुमकिन है। वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, ऐसा मुंबई कमिश्नर का मानना है। बच्चे बड़ों के नाम पे मंदिर पाठशाला बनवाते हैं और बड़े बच्चों के नाम पर दान धर्म करते हैं, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो समाधियाँ बनाते जा रहा हूँ। पूरा परिवार शमशान बन गया है यहाँ, और वहाँ उसके भाई बच्चे खुशी से त्योहार मना रहे हैं। तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, उस राजनाथ के परिवार को यही दफना दूंगा। अगले हफ्ते राजनाथ का पूरा परिवार गांव आ रहा है। हेलो, ए महालक्ष्मी, 26 को मेरी शादी है, तुम्हें जरूर आना होगा। सुपर भैया, शालिनी की शादी पक्की हो गई है, 26 को शादी है। हाँ। उसी मुहूर्त पे तेरी भी शादी हो जाएगी। चाचू भी तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं। चाचू, चाचू, क्या आप मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हो? हाँ? ये क्या इतनी मिर्ची? डॉक्टर ने क्या कहा था? पहले ही बहुत ज्यादा है बीपी। कांता भाई। हाँ बस आ रही हूँ, ये लीजिए। तू शादी कर ले तब तेरी बात मानूंगा। चाचू, कितनी बार समझाऊं कि डिग्री पूरी किए बगैर मैं शादी नहीं कर सकती। मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ। नमस्कार राजनाथ जी। आइए मास्टर जी, बैठिए। मैंने जो काम कहा था उसका क्या हुआ? आप चिंता करके अपनी बीपी मत बढ़ाइए। बीपिया ड्राइंग करे, रंगोली डाले या पेपर कोरा क्यों ना छोड़ दे, बिटिया को पास कराने की जिम्मेदारी अब हमारी है। बिटिया, पास वास काफी है या गोल्ड मेडल चाहिए तुम्हें? चुप। सोने जैसी लड़की है हमारी, गोल्ड मेडल दिलवाई, शादी में अंगूठी बनवा लेगी। अंगूठी है क्या, बहुत बड़ी चैन बनवा लीजिए। अब आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। माँ लक्ष्मी, तेरी शादी की घंटी बज गई बेटा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के। अर्चना करवानी है क्या? हाँ पंडित जी। नाम? महालक्ष्मी। गोत्र का नाम बताओ। पिपरल गोत्र। पिपल गोत्र। लेकिन ये तो तुम्हारा गोत्र है। शादी की बात बदल जाएगा ना। किसकी शादी? महालक्ष्मी की। किसके साथ? गोत्र बताया ना, वो तो तेरा गोत्र है। क्यों, मेरी शादी नहीं हो सकती? लेकिन किसके साथ? अभी तो नाम बताया। तू मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है यार, जब शादी मुझसे हो रही है तू तेरा मुझे कंफ्यूज किया तो किया, पर वो क्यों कंफ्यूज हो गया? यहाँ हो तुम, मैं वहां बात कर रहा हूँ, तुम निकल के आगे। कहां तक ढूंढू तुझे? हाँ चलो चलो चलो। महालक्ष्मी बेचारी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई, कितनी परेशान है। आज हमारे शादी की बात कर ही लेता हो। अरे अरे, यहाँ नहीं यार। तुमने सही कहा था महालक्ष्मी, मुझे मारने और डांटने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है। ऐसे दोस्त सिर्फ हेल्प के लिए काम आते हैं। हट, चल भाग, हट भाग। बेकार में सताने आ गया। हो गया, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अपने दिल की बात कहूँ। बोलो। वो बोलने को कह रही है, अब चले यहाँ से। अरे रे रे रे, रुक।
हम दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना प्लीज। कुछ कहना चाहते थे? वो क्या है कि आई लव यू। यही बात ये कहना चाह रहा है सही है ना? अब तक तूने मेरी बहुत मदद की लेकिन आई लव यू तो मुझे बोला था ना यार। यही बात मेरे भैया के सामने डरे बगैर बोल सकते हो? मुझे और डर? तुम्हारे भाई को ही क्या, किसी के भी भाई को बोल सकता हो। थिएटर के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हो, जब तक तेरे भाई को नहीं मनवा लूंगा अपना मुंह किसी को नहीं दिखाऊंगा। चलता हो उस तरफ। ठीक है महालक्ष्मी। अरे उसकी बातें सुन के तुम इतना गुस्सा हो रही हो? सुनो तो ए, उसका फ्यूचर क्या है जानती हो तुम? मेरी फ्रेंड शालिनी की शादी पक्की हो गई है कृष्णा। तो फिर रोते हुए क्यों बता रही हो? ये तो शुभ समाचार है। तुम भी क्या कहा? घर वाले मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब शादी पोस्टपोन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, इसीलिए मैंने तय कर लिया है अपने प्यार की बात भैया को मैं ही बता देती हूँ। तब तो तुम्हारा भैया पक्का हम दोनों को मार देगा। अगर किसी और से शादी करनी पड़ी तो मैं भी मर जाऊंगी, अगर उनसे पूछेंगे तो वो तुम्हें भी मार देंगे। अब हम क्या करें बोलो? अभी चलो क्या भाग कर पाएंगे? जाते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस जन्म में तो उनसे पूछ नहीं पाओगे। मेरा भाई जब तक रिश्ता लेकर नहीं आएगा तुम शादी करने वाले नहीं। हमारा संप्रदाय भी तो यही कहता है, ऐसा ही प्लान करते हैं। मैं अगले हफ्ते शालिनी की शादी में जा रही हूँ। मेरे वापस आने के पहले तुम शादी की डेट पक्की कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक मुझसे ना तो बात करना, ना फोन करना मुझे, ना ही मिलने की कोशिश करना। महालक्ष्मी महालक्ष्मी कुछ कहना चाहती हो? तुम अपने भाई से डरती हो लेकिन मैं तो पिता समान हूँ, मुझसे कहो। मैं और कृष्णा सर, राष्ट्रीय में इलेक्शन का माहौल है और सारी पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये अभी तक निकला नहीं वहाँ से। पैसा पानी की तरह बहाया फोन लगाओ। इस इलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं सर? प्लीज वन मिनट सर, प्लीज। हाँ भैया बोलो। वन क्वेश्चन। अरे भाई तुम आ रहे हो ना? कहां ज्यादा है ना भैया, इलेक्शन है। हाँ पहले ये बताइए आपका बीपी कैसा है? अरे मेरे बीपी की बात छोड़ो, तुझे देखे बहुत दिन हो गए, हमेशा टीवी में ही दिखता है, मिलने कब आओगे? बिल्कुल आऊंगा भैया, तुम्हारी चिंता मेरे लिए नहीं है, जानता हूँ। बच्चों को देखना है ना, भेजता हूँ उन्हें। तुम चिंता छोड़ो जीजू, पैसा डीसीपी जी की गाड़ी में लेके जा रहे हैं, पूरे 3 खो गए हैं। इस बार इलेक्शन में पैसा बांटेंगे नहीं, फेंकेंगे सब पर। रखता हूँ मैं, टेंशन मत लो। सुनो भाई, खरीदने की ताकत रखते हैं मेरे जीजा जैसे पॉलिटिशियन, और बिकने वाले पुलिस वाले जब हो तो इलेक्शन कैसे भी जीता जा सकता है, अगर जेब में पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। सर 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 डिक्की खोलिए। सर आपका बॉस आया है। गाड़ी रोकिए। आज मैं उसे पुलिस वालों का फर्ज याद दिलाऊंगा। चाहे कोई भी हो सर, चेक तो करना ही पड़ेगा, ऐसे ऑर्डर्स हैं सर। शट अप। क्या बात है विघ्नेश्वर, क्या प्रॉब्लम है? कार चेक करने के लिए कह रहा हूँ तो कह रहे हैं कि 6 महीने की तनख्वाह दूंगा। ए, अरे अपने डीसीपी साहब हैं। साहब नमस्ते साहब। ए, सर जी के लिए स्पेशल चाय बोल दो, तब तक हम अपना काम करते हैं। मुझे शुगर है, मैं चाय नहीं पीता। शुगर और शुगर लेस नो प्रॉब्लम सर, आपके चाय पिए बिना और हमारे चेक किए बिना ये गाड़ी यहाँ से नहीं हिलेगी। डीसीपी हूँ मैं और तुम मुझे धमकी दे रहे हो, जानते हो ना तुम सिर्फ एसीपी हो, मेरे नीचे तुम जैसे 4 काम करते हैं, तुम तो मेरे जूते के समान हो। इट्स एन इंसल्ट एंड आई विल सी यू फॉर दैट। सर लगता है इसने दारू पी रखी है। डाउन, आई सेड डाउन। फुल्ली लोडेड गन से अगर तेरे भेजे को उड़ाऊंगा तो कैसा रहेगा? अपने अंडर काम करने वाले 4 एसीपी में मेरी भी गिनती कर रहा है, मैं एसीपी श्रीकांत हूँ, भागना आता है तो भाग। मैं समझ गया, उसका इशारा हमारी ओर ही है, हम उसे बोल देते हैं कि पैसा डिक्की में है और मुझे तो भागना भी नहीं आता। अरे इसे ले जाकर अंदर डाल दे। इट्स क्लियर। बड़ा दिलेर है, अपने जीजू को बोल के उसको प्रमोशन दिलाना होगा,
ऐसे देखने के बाद भी छोड़ दिया हमें? उसने छोड़ दिया, यही तो प्रॉब्लम है। अरेस्ट करता तो कम से कम जिंदा तो रहते। डीसीपी विजय कुमार की गाड़ी को किसी अनजान लॉरी ने पीछे से आकर टक्कर मारी और उसी क्षण उनकी मौत हो गई। आ गई आ गई आ गई, अरे मेरी गुड़िया। और मेरी जैसी बड़े पापा। दिनों से नहीं, कई सालों से मैंने एक बात आपसे छुपाई है। मैं और महालक्ष्मी कई सालों से प्यार करते हैं। किसी को बताने की हिम्मत नहीं, तो अपने साले को कब बताऊंगा। लेकिन बताना पड़ेगा, बताने से मेरी जान जाएगी। नहीं बताऊंगा तो महालक्ष्मी मर जाएगी, मतलब मेरी ही जान जाएगी। जाने दो बेकार की जान, महालक्ष्मी के अकाउंट में डाल देते। चलो कृष्णा। हिम्मत कर कृष्णा, बोल दे भाई को। तू यहां कैसे? अब वो परसों वहां तलवार फेंकी थी ना आपने सर, उसे वहीं छोड़ आया हूँ। और आप बुरा मान जाएंगे ये सोचकर मैं नई तलवार ले आया हूँ सर। ठीक है, हो क्या? इसका नशा उतरने तक यहीं रखो, मैं वापस आके बात करता हूँ। मैं यहाँ पे वो मैं यहाँ पे भाई दरवाजा बंद करो। मैं अरे कई साल पहले एक गांव में एक राजा रहता था। अरे सुनो, लोग यहाँ पर आओ। और मेरी जैसी को? अरे रे, मैं भूल गई बेटा। हाँ
अरे ये यहाँ पे कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मेरे लिए नहीं आया क्या? अबे कैसी बात कर रहा है, मैं तेरे लिए तो आया हूँ। कृष्णा, तुम्हारे इतना मना करने के बाद भी मैं महालक्ष्मी के भाई को मनाने के लिए यहाँ आया तो उसके भाई के आदमी ने मुझे बांध दिया यार। हर एक घंटे में आता है, तलवार घुमाता है और चला जाता है। वो किस लिए आता है नहीं पता, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात भर चूहे कुसकुस करके परेशान कर रहे थे। ए, आजकल तो चूहों से भी डरने लगे क्या? ए, गोडाउन में कुछ गड़बड़ है, जाके देखो। ए, तू मेरे पीछे क्या कर रहा है? दोनों पकड़े जाएंगे, वहां जाके बैठ। अब तो जीना मरना सिर्फ तेरे साथ यार। दोस्ती के लिए जान तक दे देगा, ये चूहे भी नहीं छोड़ते मुझे। तू मेरा खास दोस्त है, तेरे लिए कुछ भी करूंगा। इधर आ। आता हूँ। झुक जा। पैर में बहुत दर्द है यार। झुक, झुक। फिर महारानी को उठाने के लिए एक जादूगर आया। बड़ी माँ, बड़ी माँ, जादूगर आया है। जादूगर हमारे यहाँ नहीं आ सकता बेटी। कृष्णा, कृष्णा, अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। ये क्या हुआ? कांता भाई, बच्चे को संभाल लेना। रामराज, रामराज, राजराज जी को मार दिया, सबको मार डाला, बच्चों को बचा लो। उनको मार दिया? सबको मार डाला उन्होंने। रुको, तुम मुझे छोड़ दो। वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, वहाँ मौत है, यहाँ बच्चों को बचाना जरूरी है, जल्दी करो। मुझे पीने का शौक। मैंने शराब नहीं पी है।
आपने कहा ना कि जब तक नहीं उतर जाती मेरी एक मदद करोगे तुम? मैं आपके कार में बच्चे हैं, इन्हें किसी भी तरह एसीपी श्रीकांत के घर पे छोड़ना है। सर सर, मैं सच में तलवार के बारे में बात करने आया हूँ सर। अपनी बहन से तेरी शादी करवा दूंगा। जिस महालक्ष्मी से तू प्यार करता है उससे मैं तेरी शादी करवाऊंगा। सर मैं भरो चोटिकल की तरफ मत जाना। साले जी। हाँ। चलता हूँ। रिमूव टू बुलेट्स, सिचुएशन कुछ कह नहीं सकते, ऑब्जर्वेशन में रखा है। असल में क्या हुआ था कांता भाई? श्रीकांत, उन्होंने मेरी आंखों के सामने ही राजनाथ पर गोली चलाई। उस वीरेंद्र को बिल्कुल मत छोड़ना। बच्चे कहाँ हैं कांता भाई? बच्चे तो रामराज के पास हैं। तुम लोग अपना नाम बताओ। हाँ? चुटकी। और ये मोटे का नाम? छोटा भीम। और ये तीसरी? बालिका पधु। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम लेजेंड। रुक जाओ, तुम लोगों का इंतजार कर रहा था मैं। राजनाथ के घर पर हमला किया है ये बात सिर्फ हम लोग ही जानते हैं, लेकिन अब ये अरेस्ट होएगा तो ये बात हम लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया भी जान जाएगी। दामाद जी, मेरी जायदाद और मेरी दुश्मनी सब तुम्हारी है। बजाओ रे। सर सर आइए, सर आइए। सॉरी वीरेंद्र जी, आपको स्टेशन तक आना पड़ा, ये बहुत जिद कर रहे थे इसलिए इनसे मिलिए। ये राजनाथ का छोटा भाई शहर में पुलिस डिपार्टमेंट में है, सुना है बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो। यह मत करना, मुझे पसंद नहीं। कम से कम मुझे पकड़ने के लिए तेरे पास एविडेंस भी नहीं होगा। एविडेंस मिलने पर अरेस्ट करने का मौका मिलता है और ना मिलने पर एनकाउंटर करने का भी मौका मिलता है, और मेरे काम करने का तरीका यही है। क्या बात है, मुझे डरा रहे हो? 5 साल है मेरे, तेरे भाई के हाथों सारे मारे गए, इससे भी 1 फुट लंबी होगी। तेरे भाई के पेट में हर साले का नाम लेकर खचाखच 6 बार मारा। आखिरी बार ये, ये, ये। फिर से बोल, बोलना। खचाखच 6 बार मार क्यों रहे हो? क्यों, मैं उन्हें मार नहीं सकता क्या? मारना क्या, मारना क्या, तलवार से मारना क्या? अरे भाई पर अटैक हुआ है गन से, गन से। क्या कहा? घर से गोली चलाई। माँ की कसम,
मैं कुछ नहीं जानता। मेरे ससुर ने कहा था कि राजनाथ को मारने के बाद ही तेरी सुहागरात होगी। शादी के बाद बिना सुहागरात के कैसे सो सकता हूँ? आप ही बताइए ना, नींद नहीं आती ना? उस डिप्रेशन में जवानी की कहानी फिल्म देखने मुंह छुपा के नाइट शो गया था। वापस आया तो गले में माला पहनाई और ऐसे ही जय जयकार करते रहे। ससुर ने सुहागरात का मुहूर्त भी निकाल दिया, इसलिए राजनाथ पर अटैक मैं नहीं किया। तुम्हें गुस्सा आया तो तुम्हारा ही साइड सस्पेक्ट होगा, लेकिन मैं आंखें लाल करूंगा तो ऐसा ही हंगामा होगा। बचा लो, एक मारूंगा तो ढूंढने के लिए हड्डियां भी नहीं मिलेगी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे छोड़ दो, माफ कर दो भाई, माफ कर दो, दरवाजा बंद करता हूँ। छोड़ूंगा नहीं। क्यों भैया, राजनाथ को मारने की प्लानिंग इनके साथ कर रहे हो क्या? तो ऐसा समझा क्या, मैं खास काम पे लगा हो, तुम वेट करो। मैंने मारा बोल के बिल्डअप दे दिया उनको, तुम मैनेज करो, मेरा उस अटैक से कोई संबंध नहीं। अगर पता चला तो मेरे से। प्रकाश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सर, हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट, उन्होंने हैंडगन्स यूज किए, ओके, साइलेंसर भी थे, बहुत एडवांस वेपन्स थे, मुंबई में मिलना मुश्किल है, लेकिन इनके हाथ कैसे लग गए? इट्स हाईली इम्पॉसिबल, कौन कहता है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अच्छा, ए, तू जा रहे? मेरी वजह से इंडिया डेवलप हो रहा है, ये बाहर जाके सबको बता देना। अगर वीरेंद्र ने अटैक नहीं किया है तो फिर किसने किया? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? बचा लोग मिला का? नहीं, उसी काम पे लगे हैं हम। सर, रामराज का पता चल गया है, उन्होंने चोटिकल सिग्नल पार किया है। भाग गया वो। हाँ मिस्टर गौड़ा, नमस्ते, श्रीकांत बोल रहा हूँ। उस चोटिकल रूट पर मोबाइल सिग्नल्स का पता लगवाना है प्लीज। hey. इधर देखो, राजनाथ को मार नहीं पाया वो वीरेंद्रनाथ, अब तुम्हें भेजा है क्या? ये राजनाथ कौन है और वीरेंद्र कौन है? हमें सिर्फ बच्चों से मतलब है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ है? डेविड भाई को एसीपी श्रीकांत ने अरेस्ट कर लिया है। आई कांट बिलीव दिस। वो अब कैसे दिखते हैं ये तू भी नहीं जानता है, वो कैसे अरेस्ट करेंगे? अरे कोई बताए तो हम कैसे बिलीव कर लेते, डेविड भाई ने हमको कॉल किया था। hey, सत्या। डाउन, अपने अंडर काम करने वाले चार एसीपी में मेरी भी गिनती कर रहा है। मैं एसीपी श्रीकांत हूँ, एनकाउंटर कर दूंगा तेरा। hey, ले जाए इसे। कहीं भी इसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई। डेविड भाई इंडिया आया है ये सबका कहना है, और वो मुंबई भी पहुँच गया है। क्या आप सबको ये पता है? डेविड भाई इंडिया आया है क्या, वो भी मुंबई में? भाई को अरेस्ट करने के बाद का इंटरव्यू है, मतलब कल का। इसके बारे में पता, ये इसका स्टाइल है, पकड़ते हैं लेकिन बताते नहीं, मार डालते हैं लेकिन इसका बॉडी भी कहीं पता नहीं चलता है, तभी तो बच्चों को किडनैप करवाया। डेविड भाई को रिलीज करने के लिए किसी मिनिस्टर को या कमिश्नर को किडनैप करना चाहिए, और तुमने बच्चों को किडनैप किया। चाहे कोई भी आ जाए मैं नहीं झुकता, और मेरी शक्ति मेरे बच्चे हैं। मतलब डेविड भाई को रिलीज करने के लिए बच्चों को किडनैप करना ही एक रास्ता है, दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या? अभी वो जिंदा है भी कि नहीं ये जानने का भी यही एक ऑप्शन है। अब तो समझ गए ना हम कौन है, बच्चों को बचाने के लिए कोई हीरो नहीं है यहाँ। बिल्कुल है। भगवान है, वरना मेरे साले साहब खुद आकर अपनी बहन के साथ मेरी शादी करवाने की बात नहीं करते, ऐसे कैसे बोल दिया? कहीं रास्ते में मेरे लिए कुछ प्लान तो नहीं किया है ना? बच्चे तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, वैसे राजनाथ को किसने मारा है बताओ मुझे। राजनाथ मतलब वही बुड्ढा ना, उस पर तो मैंने ही गोली चलाई थी। आ, 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 आ,
हेलो रामराज जी, साले साहब, मैं कृष्णा। कुछ नहीं, बस और 250 किलोमीटर जाने के बाद मुंबई आ जाएगा। बच्चों को छोड़ के आ जाऊंगा तो शादी करवा दोगी ना? या कहीं बीच में ही कुछ प्लान बना के मेरी सेटिंग करवाने की सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है ना? कोई प्लान नहीं, बस अब तेरी शादी बाकी है। चल बेटा कृष्णा, सब खत्म, तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब सिर्फ हम दोनों ही होंगे। शांति, बच्चों को कुछ नहीं होगा, यू डोंट वरी। आई एम वरीड, व्हाई शुड आई नॉट वरी? बच्चे कहाँ हैं कुछ पता नहीं, क्या कर रहे हैं ये भी मालूम नहीं, कम से कम फोन तो कर लेते। एक मिनट, हेलो सर, मैं धीरज बोल रहा हूँ। धीरज, कुछ पता चला? नहीं मिला सर, वी आर सर्चिंग। अगर पहले से ही समझदारी से काम लिया होता तो महालक्ष्मी आज मेरी होती। अच्छा, लक्ष्मी मतलब मनी, महालक्ष्मी मतलब बिग मनी। ए बच्ची, इस पागल डॉल को हमेशा अपने साथ ही रखेगी? तुम पागल हो, ये गुड़िया नहीं है, जस्सी है, मेरी फ्रेंड। वो एसीपी साला भाई को पकड़ के मीडिया और गवर्नमेंट को बताए बगैर डिपार्टमेंट में भी किसी को पता नहीं है कहाँ छुपाया है। बस एक छोटा सा क्लू मिल जाए, सिटी को पूरा बर्बाद कर दूंगा और फिर भाई को दुबई ले जाऊंगा। कहाँ छुपाया उसे? जल्दी चलाओ गाड़ी, फ्लाइट का टाइम हो गया। सर, ये फ्लाइट नहीं, टैक्सी है। शट अप। ओए, इसे अंदर डाल दो। फर्स्ट टाइम इन जेल, फीलिंग बैड। ए, उठ गया क्या? तेरे उठने का वेट कर रहा था। किस लिए? सेल्फी लेने के लिए, और नहीं तो क्या? मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट करके मुझे भी अंदर करवा दिया। अरे पहली बार पुलिस स्टेशन में आया हूँ, बीवी सुबह से फोन कर रही है, पापे फिर से आ गया कि आ जा जवाब दू। ऐ, मेरा फोन क्यों तोड़ दिया? हमें यहाँ कितने घंटे हो गए? पुलिस ने जब से हमें लॉकअप पे डाला और आपके अभी कॉलर पकड़ने तक 30 घंटे हुए सर। 30 आवर्स? क्या, आर यू सीरियस? Bloody fool, you idiot, useless fellows. अरे, इन्होंने मेरा इंट्रोगेट किया क्या? सैनिटेशन इंजेक्शन दिया क्या? या फिर नारकोटिक टेस्ट ऐसा कुछ किया क्या? तुम्हीं से पूछ रहा हूँ। नहीं सर, दो बार खाना दिया सर, बिल्कुल टेस्ट नहीं था, 0 लाइक सर। आखिर क्या हो रहा है यहाँ? और कैसे रहा? सिगरेट है क्या? All right, let me guess. अब पुलिस स्टेशन से बाहर को 400 NSD कमांडोज, माइक्रोफोन या सवा जाएं। क्या लफड़ा है इसका? दारू पी के हमारी पुलिस जान को टक्कर मारी इसने। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। पकड़ा हमारे एसीपी श्रीकांत जी ने। कौन हो तुम? FBI, CBI, इंटरपोल, हु आर यू? बेचारा, लगता है गलत काम करके पहली बारी से पुलिस ने पकड़ा है सर। कब से इसी तरह पागलों जैसी बातें कर रहा है सर। वो टैक्सी किसकी है? मेरी है सर, लेकिन चला ये रहा था। तेरा नाम क्या है? नाम अब्दुल अजीम अल हकीम मोहम्मद बिन सैयद अजीज डेविड इब्राहिम। मैंने तेरा नाम पूछा है, तेरे जानने वालों का नहीं। डेविड भाई। भाई किसका बे? मैं कोई तरह चमचा हूँ क्या? तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट वालों ने एक्सीडेंट केस में अरेस्ट किया है। एक्सीडेंट केस में? चुपचाप पड़ा रहेगा तो 3 दिन में भेज दूंगा। इसका मतलब
इसे ये नहीं पता कि मैं डेविड भाई हूँ। हे सत्या, एसीपी श्रीकांत ने मुझे अरेस्ट किया है। कल सुबह से पहले मुझे बाहर निकलना होगा। अगर बाहर निकलने के बाद उन्होंने कोई हंगामा किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हे, मुझे अर्जेंट एक फोन करना है। तेरा फोन कहाँ है? तुमने तो तोड़ दिया। ए सरवन, कहाँ पर है तू? बॉम्बे आ रहा हूँ भाई, ऑन द वे। बच्चा लोग मिल गया है, ऑन द वे है। सुन, बच्चा लोग को संभाल के, बच्चा लोग तुम्हारा साथ ही है ना? वो भी मुंबई आ रहे हैं भाई, मगर दूसरी कार में। मतलब बच्चा लोग नहीं मिला का? नहीं भैया। बच्चा लोग को लिए बिना तुम वापस मत आना, नहीं तो मार डालूंगा। सत्या, बच्चे कहाँ हैं? हर्षा गाना कितना अच्छा गाता है जानती हो तुम? ए क्या हुआ? कट कर दिए क्या? मैं फिर से करूंगा। 4200 सर। हाँ? ये ले। हैंड्स अप। चलो चलो गाड़ी में बैठो, चलो जल्दी। अंकल भी किडनैप हो गए, चलो गाड़ी में। गाड़ी में बैठो। हाँ। अरे चलो जल्दी। पैसों के लिए कुछ भी कर दोगे क्या? अरे नहीं है तो क्या करूं? तो कितना चाहिए बोलो। उसने कितना बताया था? 4200 रुपए। ये पैसे ले लो, अब कार को पीछे घुमाओ। ये तुम किस तरफ जा रहे हो? गाड़ी पीछे लो ना। इतने भी पैसे दे दो, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। अब तो ये आ गई। बड़े पापा। कांता भाई, बच्चों का ख्याल रखना। डॉक्टर, सिस्टर, बच्चे कहाँ हैं? घर पर आए, मुझे उन्हें देखना है। को इन्फॉर्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है सर। वेट, मत दो, मीडिया को इन्वॉल्व मत करो। रामराज की गाड़ी बेंगलुरु की तरफ गई थी और बच्चे मुंबई रूट पर। किसने किया है, क्यों किया है, कोई जानकारी नहीं। अब तक हमें कोई थ्रेटनिंग कॉल भी नहीं आई। मीडिया को इन्वॉल्व करने से बच्चे तो मिल जाएंगे लेकिन जिंदा नहीं मिलेंगे। तुम एक काम करो, सारे पुलिस स्टेशन में फोटो भेज दो, क्विक। तुम मेरे साथ आ। वो जा रहे हैं, हम भी भाग जाते हैं। उतरो उतरो, जल्दी करो। हाँ उतरो, चलो 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 इस तरह। भागते रहो,
बच्चे यहाँ आए थे क्या? चलो खाना खाते हैं। हमें बिल्कुल भूख नहीं है। I am hungry. हाथ धो लेते हैं, चलो। मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं। ये मेरी सस्ती है, मुझे दो, मेरी है। चल जा। हेलो हेलो, कोई है? किडनैप। सर, ये गुड़िया आपकी बच्ची की है। क्या सर, इस उम्र में गुड़िया से खेलते हो आप? यही तो सही उम्र है खेलने के लिए। ए, तू पागल हो गया क्या? अच्छा, इतने लोग हैं क्या? सब 100-100 रुपए डाल के खरीद सकते हैं ना? आप सीरियस क्यों हो रहे हो सर? मैं खरीद लूंगा ना। मेरी जस मुझे चाहिए। हेलो, सॉरी सर, थोड़ा मत मानिएगा। ए, टेंशन मत लो। चलो चलो, जल्दी चलो कार में। किडनैपर आ गया। अरे चलो जल्दी, वो लोग आ जाएंगे। चलो, अरे जल्दी चलो, बैठो बैठो, गाड़ी में बैठो, चलो। hey! बच्चे मिल गए, गाड़ी निकालो। hey! Hey! ये क्यों पीछा कर रहे हैं? ए, गाड़ी रोक। ये गुड़िया के लिए इतनी गाड़ी को रोक। गुड़िया नहीं है, मेरी जस्सी है। ए, रोक। अरे ये पागल है, किसी डॉक्टर के पास दिखाओ। पकड़ो उसे। ओए, चलो। उनको एक गुड़िया ही चाहिए ना? ठीक है। अरे कहाँ के फंस गया? महालक्ष्मी का फोन। Huh?
बालिका। चलो अंदर। रजन। हाँ बोलो। जस्ट मिस हो गए, नहीं तो। और सुनो, दोबारा से बोलो। जस्ट मिस हो गए, नहीं तो बच्चों को उठा के ले आता। hey, दिमाग खराब हो गया क्या? बच्चे कैसे मिस हो गए? उन बच्चों को पकड़ो और उन्हें यहाँ भेजो। तू मत आना, दिखाई देगा तो तुझे मार डालूंगा। वो बच्चे हमारे लिए कितने कीमती हैं? हे सत्या, उससे काम नहीं होगा, तू जा। मैंने कहा ना, जा। कृष्णा, ये सब क्या है? तू वो हीरो नहीं है, तू उस हीरो का फैन है। ओहो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करेगा ना तो अगले महीने की पहली तारीख नहीं देखेगा। लेजन, यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल है? इतनी बड़ी चोट कहाँ आई है? हॉस्पिटल किस लिए? तुम्हें नहीं, जिसकी राइट हैंड में चोट लगी है, बैंडेज करवानी है। दुनिया में कितनी गुड़ियां हैं, लेकिन मुझे जस्सी मिलने थी क्या? अरे जस्सी को कुछ नहीं हुआ है, हॉस्पिटल नहीं ढूंढने के। चलो जल्दी से, हमें यहाँ से निकलना है। चलो चलो चलो, अगर रुके तो मारे जाएंगे। इसके भाग निकलना ठीक है। स्टॉप। ऐसे बहुत बोर लग रहा है यार, कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। सुन ले भैया, इस कृष्ण की वीर प्रेम कथा, वीर प्रेम कथा। कभी न देखी कभी न सुनी ऐसी विचित्र कथा। कंदना दंदाना ने, कंदना दंदाना ने, कंदना दंदाना ने ना। श्रुति बदल गई है। तेरी श्रुति तो कभी की बदल गई। अब देखो हीरो को। क्यों ओ ब्रह्मा ओ प्रभु, कितना डेंजर लव है प्रभु। प्यार तो मुझको इतना दिया, शादी तुमने क्यों रोकी। सीता जैसी प्यारी सी लड़की, भाई रावण जैसा है क्यों। इसलिए तो प्यार हमारा कोई भी ना जाना प्रभु। टॉक नो नो, टच नो नो, प्रेम नो नो, डू इट नो नो। क्यों ब्रह्मा मेरे ब्रह्मा, कर दे हंगामा। ब्रह्मा ओ प्रभु, कितना डेंजर लव है ये। इश्क प्यार तो दिया मगर रिस्क भी उतना दिया। लाइफ रोड पे आ गई है मेरी, शादी का सपना तो दिखाया। ढूंढता हूँ अपनी मैं दुल्हन, कोई तो करिश्मा दिखा। मिलती नहीं है, एड्रेस नहीं है, क्या करूँ मेरी जाह रूढ़ी। महालक्ष्मी देख ब्रह्मा, मिल गई जानू, कर दिया हंगामा।
मेरी सुहाग रात है, सुहाग रात है आज मेरी, आजा आजा। पिताजी बुला रहे हैं। बच्चों की जानकारी मिल गई है, तुम्हें जाकर मारना है। इस बुड्ढे को और कोई काम नहीं है क्या? परसों ही तो अटैक किया था मैंने, इस महीने के लिए काफी। ये कोई ब्याज है क्या जो हर महीने भरना है? दुश्मनी है। पिताजी ये आ गए। राजनाथ को मार के आया था, वो अभी मरा नहीं, उसके जान वो बच्चे हैं। आज अच्छा मौका मिला है, जाओ और जाकर उसे मार दो। कल जाके मारता हूँ। वो क्या क्या सुहागरात है ना, नहीं होगी क्या? सुहागरात के लिए कोई अच्छा मुहूर्त फिर से मिल जाएगा, लेकिन उन बच्चों को मारने के लिए यही मुहूर्त है। दामाद जी, मैं कल जाके मारूं ना। अंतरराष्ट्रीय चोरियां फिर से शुरू हो गई हैं। शहर में एक सोने की दुकान से 1 करोड़ का सोना चोरी हो गया है। चोरों की शकल सूरत अब तक पहचान में नहीं आई है। पुलिस सर, अंतरराष्ट्रीय चोरों से मेरा कोई संबंध नहीं है सर, मैं शादीशुदा हूं, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं हो तो भी तेरी शकल पिकपॉकेट जैसी है, तू अंतरराष्ट्रीय चोर है, कोई नहीं मानेगा। 12 देशों की पुलिस जिसे ढूंढ रही है वो डेविड भाई इंडिया आया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो इंडिया में नहीं है। लेकिन डेविड इंडिया में ही है ऐसी पुलिस को इत्तला मिली है। लेकिन सोचने की बात ये है कि डेविड भाई इंडिया किस काम के लिए आया और इंडिया आने का उसका मकसद क्या है। पुलिस वाले नाम डेविड भाई बताया था ना, दुबई से आए डेविड भाई, तुम ही हो। शहर में हर तरफ डेविड भाई के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। अब देखना ये है कि पुलिस डेविड भाई को कब गिरफ्तार कर पाती। इरिटेशन कह रहे हैं, मैंने तो टेंशन सोचा था। सर 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 प्लीज सर एक फोन करने दीजिए सर, आप जितना कहेंगे उतना देने को तैयार हूँ। प्लीज सर आजा कर लो। पब्लिक बूथ समझा है क्या, जब चाहे उठा के कॉल कर लो, बैठो। ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन मुझे एक फोन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर, प्लीज सर एक फोन कर लो सर। सुनो एक गेम खेलते हैं, थोड़ी देर के लिए तुम्हें डेविड भाई बनके मुझे कन्विंस करना होगा, तब मैं तुम्हें फोन करने का चांस दूंगा। ओके सर। दुबई से इंडिया में तुम आए कैसे? दुबई से नहीं तो मैं तो सिंगापुर से आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डेविड भाई के बारे में। मैं भी सर। ठीक है, सिंगापुर से इंडिया में कैसे आए? कैसे होगा सर, सबकी तरह मैं भी एयरपोर्ट में उतरा, वहां से चलते हुए बाहर आया, वहां से मैंने इसकी टैक्सी ली और वहां से बाहर आ रहा था कि एक्सीडेंट के बाद आपने पकड़ लिया। आप कन्विंस हो गए ना सर? फोन सर। रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो गया, तू पूरे इंडिया में दूल्हा बन के घूमेगा तो हम तुझे पहचान नहीं पाएंगे। सर अब डेविड भाई कैसा दिखता है ये तो किसी को पता नहीं है ना सर। चलो अब आए ही गए हो, क्यों आए हो, बॉम्ब डालने के लिए? अरे नहीं नहीं सर, बस दरगाह देखने गया था। आसिफ इससे पूछ के देख लीजिए। सर सही कह रहा है। क्या कह रहे हो, दरगाह? बिल्कुल सर, ऑस्कर मिलने के बाद रहमान, शादी के बाद ऐश्वर्या रह गए थे ना, वही दरगाह, वो बहुत फेमस है सर। तो तू किस लिए आया है? माय मदर्स लास्ट विश सर, मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी। डॉन लोगों का भी मदर सेंटीमेंट्स होता है क्या? क्यों नहीं हो सकते हैं सर, मैं भी तो अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। तेरे इस ऑर्केस्ट्रा में इमोशनल लाइन मुझे पसंद आई। ए 203 चाय दो। सर मुझे तो लग रहा है कि ये जो कुछ भी कह रहा है सही कह रहा है। सर अब तो आप इंप्रेस है ना सर, वो बस एक फोन कर लूं सर प्लीज। ये सब तो ठीक है, लेकिन डेविड भाई का दरगाह के लिए आना कन्विंसिंग नहीं लग रहा, कॉमेडी लग रहा है। यू मिस द चांस। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया ना? डाल दो। यहाँ के लोग सच्चाई की कद्र नहीं करते हैं। ओ। अब दिल को जरा थाम लो। ठीक है। मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। हमला किया प्यार... पर वो बच निकले। इस हमले के पहले दोषी हैं अपू राय और उनका साथ दिया उन्हीं के दामाद वीरेंद्र ने। पुलिस वालों ने वहां जाकर पूछताछ की पर सबूत न मिलने के कारण पुलिस वीरेंद्र को अरेस्ट नहीं कर पाई है। लेकिन वीरेंद्र को शक हो गया है कि पुलिस इसकी तह तक जरूर पहुंचेगी।
अब देखना ये है कि पुलिस के हाथ कौन सा सबूत लगता है। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम अभी महालक्ष्मी। भाई बच्चे इसी घर में हैं। ये घर भूपेंद्र जी का है। ये भूपेंद्र कौन है? यहाँ का डेविड भाई। ए तो यहीं पर रुक, कहे कि तू आएगा तो तेरे पर डाउट होगा। कौन हो तुम लोग? इस गांव के तो लगते नहीं हो, किसकी तरफ से आए हो? अरे यार दिखता नहीं है, शहर के लोग हैं, लड़के वालों की तरफ से होंगे। सत्या क्या हुआ? बच्चा सब मिल गया है। कहाँ? लोकेशन सेट कर रहा हूँ, आप देख के आ जाओ। यानी भैया और चाचू को? भैया और चाचू अब ठीक हैं। सच बोल रहे हो ना? अरे सच बोल रहा हूँ, सही सलामत। भैया को पहले कॉल लगाओ। तुझे नहीं मुझे करना है, जल्दी से फोन दे। अब वो वीरेंद्र यहाँ आएगा तो क्या होगा? लेकिन वो यहाँ किस लिए आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये पुलिस वाले सिविल में है। अब देखो यही हो बच्चा लोग, अब समय निकाल के लिफ्ट करना होगा। हम यहाँ छुप जाते हैं। दमाजी, दमाजी। हाँ अंकल, आपके दोस्त शहर से आए हैं, आपको पता है ना? मेरे फ्रेंड्स? हाँ। शहर से आए हैं? हाँ। कौन हो सकता है? यार आप अब क्या परेशानी है? वो आ गया है। कौन? वही वीरेंद्र, उसे अब पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। जब तक हम यहाँ हैं हमें कोई डर नहीं है, भूपेंद्र अंकल है ना, चलो उन्हें बताते हैं। सुनो भाई साहब, शहर से आए हुए दूल्हे के फ्रेंड आप हो क्या? भूपेंद्र का फ्रेंड हूँ मैं। तो कौन है भाई? बेकार। बाप रे इसने क्यों मारा? बेकार की जिंदगी है मेरी, यहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। ए सुनो, हमारे परिवार के बच्चे यहाँ खेल रहे थे, तुमने उन्हें देखा क्या? ए भैया, हमारा परिवार का बच्चा लोग यहाँ पर खेल रहा था, तुमने उनको देखा है क्या? बच्चे, बच्चे चलो ढूंढें। हाँ ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ए, कौन हो तुम लोग? लड़के वालों की तरफ से। हाँ अरे ये तो उसका फोन है। ए, 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 तेरा फोन। ए वो आया क्या? कौन? हमसे जो टकराया था वही वही। एक मिनट। हाँ वो आया क्या? कौन? हम दोनों को जो हम टक्कर मारा था वो नहीं आया? नहीं। मिलेगा तो बताना। हाँ ठीक है। ये बच्चे कहाँ गए? अरे इधर। लेजन, लेजन, मुझे कहीं छुपा दो ना। क्यों छुपना चाहता है? चल यही छुपना, जाके मुझे ढूंढो। आप किसके लिए? मेरे लिए। तू बाहर मत आ, मैं खेलूंगा। क्यों छुपे हो, क्यों भाग रहे हो? मामला कहाँ भागा मैं? ज़्यादा बोलेगा तो यहीं मार डालूंगा। क्या हुआ दमाजी? क्या लफड़ा ये? उससे पूछो। कौन है ये? ये क्या, आप नहीं जानते इसे? मुझे नहीं मालूम, कौन है तू? ए, मैं कौन हूँ ये कैसे जानेगा? मैं भूपेंद्र की तरफ से आया हूँ। भूपेंद्र मैं ही हूँ। आज मेरी सुहागरात नहीं होगी, बदकिस्मती है मेरी। ये गमला यहाँ कैसे? चुटकी, वो कहाँ गया? ये तो यहाँ पर है। हाँ? अरे वो बालिका कहाँ है? भैया ये गांव के लड़कियों को परेशान कर रहे थे,
इसलिए आपके पास लेके आया हूं। हेलो हेलो, शहर से आए हुए मेरे दोस्त आप हो क्या? अरे तुम्हारा नहीं, दूल्हे का फ्रेंड हूँ। दूल्हे के दोस्त है? और दूल्हा तो मैं हो गया। अरे अब बच्चा सबको छोड़ते हैं, पहले यहाँ से निकलने की सोचते हैं। वो दूल्हा मैं ही हूँ, मैं हूँ भाई। अंकल सीधा बच्चा लोग का हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम भूपेंद्र के होने वाले दामाद पर निशाना लगाते हो। हे दरवाजे बंद कर दो। बाप रे, अगर उनके हाथ लग जाते तो हमारी क्या हालत हो जाती। वहां पर तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अरे ये इनोवा अपने एरिया की गाड़ी है। हाँ? दीदी दीदी आप कहाँ जा रही हो? आप कहाँ ले जा रहे हो? सर आप पूना के साथ जा रहे हैं, जरा इसे छोड़ सकते हैं? चलो मैं वो काम पूरा करके आता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? देखा ना कितने लोग मेरे पीछे पड़े हैं। क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा मर ही जाएंगे ना। मरना चाहती हो क्या? ये नहीं मानेगी, मेरा बाप भी इसी तरह से मरा था। कोई लड़का कुएं में गिरा था तो उसको बचाने वो भी कूद गया था, वो बच्चा बच गया लेकिन मेरा बाप मर गया। और मेरा क्या हुआ, अकेला रह गया ना। मैं कब तक वेट करूं? किसी और को ढूंढ लूंगा, चलें कल। अरे उनके लिए इनके लिए क्या जीना, कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। अरे मत काटो, रुको। सर हम लोग पहुंच गए, यहाँ सब ठीक है, रत्नागिरी फॉरेस्ट पार कर चुके हैं। गुड। पूरी टीम में कितने लोग हैं? लोकल पुलिस को मिला के पूरे 8 लोग हैं सर। सबको कॉन्फ्रेंस में लो। सर वी आर रेडी। अच्छा तुम लोग बच्चों को देख रहे हो ना? दो बच्चे दिख रहे हैं सर, तीसरा नो। सर तीसरा बच्चा फोन वाले के साथ में है। सब सब टारगेट मेरे बिल्कुल सामने है, आप कहो तो ट्रिगर दबा दूं। एक मिनट नहीं, जल्दबाजी मत करो। सब बाहर कुछ तो गड़बड़ है, हमारे पास भी गन है बॉस। यहां से गन सर, एक बार हाँ कहिए साइड से उड़ा दूंगा, उसको उठने का भी मौका नहीं मिलेगा। जस्ट ट्रस्ट मी सर। सब 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 सर वो कहीं कॉल कर रहा है, मुझे लगता है वो आप ही को कॉल कर रहा है। फोन उठाइए सर, एक बार हाँ कहिए उड़ा देता हूँ। हेलो। हाँ हेलो सर, उड़ा दूँ? डैडी से मैं बात, आपकी बेटी बात करना चाहती है सर। उड़ा रहा हूँ सर, उड़ा रहा हूँ। अर्जुन डोंट शूट, आई सेड डोंट शूट। हेलो हेलो, ये डोंट शूट क्या है सर? मैं अभी ना श्रीकांत, पुलिस वाले मैं बच्चों को सौंपने आया हूं तो मार देंगे। प्लीज प्लीज लिसन टू मी, वो सब हमारे आदमी हैं। पुलिस सर, हम भी आपके आदमी हैं सर। बच्चों को उन्हें सौंप दो। हो गया सब, सॉरी। लक्ष्मी उनके बच्चे, किसका फोन है? हेलो, बच्चे मिल गए हैं रत्नागिरी फॉरेस्ट रोड पे, आप 5 करोड़ अरेंज कीजिए, बच्चों को जहां कहोगे वहां पहुंचा दूंगा। बालिका बाय बोले बिना चली जाओगी क्या?
महालक्ष्मी बच्चों को गाड़ी में बिठाओ। अंदर जाओ जाओ। कृष्णा बालिका तुम चलो जल्दी जल्दी जाओ। पकड़ो उसे। कृष्णा चलो कम ऑन कम ऑन जीप लेके आओ। लेट्स गो कम ऑन। Open! Open the gate! He is very dangerous, sir. We would have shot him. वो बच्चों को देके भाग गया सर। बेवजह आपने रोक लिया हमें। उसकी बातों का और यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका कोई संबंध नहीं है। Something is wrong. Hello? सर, बच्चे मेरे पास ही हैं सर। उनके चंगुल से निकलने में हमने बहुत मेहनत की है सर। तुमने क्या बोला था और कर क्या रहे हो? आपके आदमियों ने किसी के साथ सेटिंग की है सर। बच्चों की 5 करोड़ में डील कर रहे हैं सर। थैंक यू कृष्णा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं लेकिन आज तुम मेरे लिए भगवान का रूप लेकर आए हो। सॉरी सर, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पिताजी एक इसके बाल देखो हीरो थे। ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे। मैंने कहा था ना दीदी क्या हुआ आपको? दीदी 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 क्या हुआ? दीदी 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 उठो। महालक्ष्मी मुंबई की तरफ। अरे जल्दी चलाओ तुम। डॉक्टर बताता हूँ सर, बताता हूँ। जब मैं पेट्रोल पंप पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मुझे एक नए नंबर से कॉल आया। हेलो, तुमको 5 करोड़ हम भेजा था। हम कौन है ये जानने का जरूरत नहीं है। बच्चा लोग कहाँ है हमको बता दो और 10 करोड़ रुपया तुम्हारे घर में पहुंच जाएगा। महालक्ष्मी को कुछ नहीं हुआ है ना सर? लड़की को कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा ब्लड चला गया है। थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। वैसे तुम्हारे साथ जो बच्चे आए थे कहाँ गए? वैसे इस एरिया में शेर बहुत घूमते हैं। सीधे चलो। छोटू चुटके। गाड़ी रोको। बालिका डॉक्टर, इन बच्चों को तुमने कहीं देखा है क्या? लेजेंड कहाँ गए थे बिना बताए? सत्या, उस डॉक्टर ने पुलिस को फोन किया है, तभी लोकेशन बदल दिया मैंने। ओ बाय द वे, उसकी गर्लफ्रेंड को मैं ले जा रहा हूँ। ए कौन हो तुम? महालक्ष्मी तेरे पास कैसे आ गई? ओ फोन तेरे पास है? सत्या को मार डाला क्या? व्हाटएवर, हु केयर्स। लेजेंड लेजेंड आ गई। चलो चलो चलो, सबको क्यों मारा तूने? और महालक्ष्मी कहाँ है? मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, अगर ये लड़की तुम्हें जिंदा चाहिए तो बच्चों को पहाड़ के ऊपर जो चर्च है वहां लेके आओ। सर सर, महालक्ष्मी को कुछ मत कीजिए। ओ शिट, शी इज ब्लीडिंग। सर कुछ मत कीजिए सर। 1 मिनट, हम दोनों शादी करने की सोच रहे हैं सर। आपकी कृपा होगी हमारी जिंदगी। 1 मिनट। ओके ओके सर ओके। अब बोलो। महालक्ष्मी का इस मामले से कोई संबंध नहीं है सर। वो तो पागल है सर, उस बेचारी को छोड़ दीजिए सर। कुछ का मतलब मैं क्या समझूं? मैं तो इसे मारने की सोच रहा हूँ। मार डालूंगा महालक्ष्मी को, कुछ भी हुआ तो मार डालूंगा।
तेरी आवाज सुनते ही उसने आंखें खोली है। वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। कोई हल नहीं निकल रहा है यार, चलो इसे मार डालता हूं, उसके बाद बात करेंगे। नहीं, उसे कुछ नहीं करना। मैं नहीं दूंगी। मैं भी नहीं दूंगा। अब तुमसे मुझे कोई काम नहीं। सर, महालक्ष्मी किडनैप। सर, किडनैप? बच्चों को ना दिया तो? किसने किया और कहा हो तुम? पता नहीं सर, यहाँ पे ये। ए जगन। सर, कॉल ट्रेस करो। ओके सर। क्या चाहिए उन्हें? सर, मैंने बताया ना सर, उसे बच्ची चाहिए और मुझे मेरी महालक्ष्मी चाहिए सर। सर प्लीज सर, आप कुछ भी कीजिए लेकिन महालक्ष्मी को बचा लीजिए। सुनो, महालक्ष्मी को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। पहले तुम कहाँ हो, कुछ तो क्लू दो। गलती से भी बच्चों को उसके हाथ में मत देना। मेरी बात मानो, तुम ये गलती मत करना। महालक्ष्मी को जिंदा वापस लाना मेरा फर्ज है, ट्रस्ट मी। पहले तुम कहाँ हो ये बताओ। समझ गया सर, महालक्ष्मी को कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कहाँ हूँ ये आपको जानना है। आपको बच्चे सौंप दूंगा तो आप सेफ हो जाएंगे, उसके बाद महालक्ष्मी जिंदा वापस आएगी तो मैं आपको आगे थैंक्स बोलूंगा। लेकिन इसका क्या भरोसा है सर कि महालक्ष्मी जिंदा वापस आएगी? बोलिए ना सर। नहीं सर, नहीं, महालक्ष्मी के जिंदा वापस आने तक बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। ये क्या है, मुझे धमकी दे रहे हो, मुझसे सौदा कर रहे हो तुम? अरे मार डालूंगा। ये क्या सर, अभी तो आप भगवान कह रहे थे और अब मारने की बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं सर, मार डालिए, लेकिन महालक्ष्मी को वापस लाने के बाद। ए, 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 यस, ए! कॉल ट्रेस हुआ सर, 6 किलोमीटर अवे। जगन, ट्राई नॉट टू किल हिम। हो सके तो उसे मारे बिना बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करना। आप नहीं आएंगे सर? बच्चों के सामने दोषी बनना मुझे पसंद नहीं है जगन। अब जाओ। सॉरी सर, फोन पे थोड़ा गुस्से में। सर, सर बच्चे यहां पर सेफ है सर, महालक्ष्मी सेफ। महालक्ष्मी, सर उन्हें उन्हें बताइए ना सर, महालक्ष्मी को लाइए और बच्चों को ले जाइए सर। आओ बाले। वो मार डालेंगे सर। मारते क्यों सर? ये क्या है सर? सर लेजेंड, बच्चों को मत ले जाइए सर, उनके बगैर मैं महालक्ष्मी को बचा नहीं पाऊंगा सर। छोड़िए सर, छोड़िए सर। दीदी उनसे कहो ना लेजेंड को ना मारे। बेवजह अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने। बेचारी महालक्ष्मी, मुझे छोड़ के उसका कोई नहीं है। जैसे जस्सी को गल लगाए थे तब मैं डर गई थी ना, वैसे गल मुझे लगा तो मेरे पापा डर जाएंगे। Put it back. Sir,
डोंट शूट। जगन छोटू जगन नहीं जगन एसीपी, तेरी वीकनेस वही तेरे बच्चे अब मेरे पास हैं। बस आधे घंटे में भाई रिलीज हो जाना चाहिए। समझे ना? कौन हो तुम? डेविड भाई का बंदा हूँ, जिसको तुमने स्पॉट पे अरेस्ट किया था। 3 दिन से भाई को कस्टडी में रखा है तुमने। आधे घंटे में डेविड भाई रिलीज होने चाहिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बात करने में टाइम वेस्ट मत करो, गेट टू वर्क बास्टर्ड। डेविड भाई को मैंने कब अरेस्ट किया? ये पागलों जैसी बातें कर रहा है। बाहर कुछ भी हो जाए, गाड़ी से बाहर मत निकलना। लेजेंड, चाहो तो जस्सी को दे दो, पर तुम मत जाओ। डेविड भाई को मैंने कब अरेस्ट किया? अरे कैसे पता चलेगा? ओ मतलब वो है डेविड भाई। सर अब पोजीशन क्या है सर? जज तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखेगा। 5,000 फाइन भरने को कहेगा, देकर निकल जाना। खिड़की और डोर लॉक कर लो। रुक। सर महालक्ष्मी फोन पे बात की थी मैंने। महालक्ष्मी, नजदीक आओ, बताता हूँ। सर तेरे को ये गेम समझ में नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास आ। वो बात नहीं है सर, महालक्ष्मी मेरा चाहे कुछ भी कर लो, महालक्ष्मी को बहुत बकबक कर रही थी। मार डाला। इतना डरता है तो प्यार क्यों किया? तेरा दुख देख के मुझे दया आ रही है। हे सलमान, मार डाल इसे। सारी गोलियां दाग दे। Ah!
मार डाला उसे, मार डाला क्या उसे? तेरी महालक्ष्मी को नहीं मारा मैंने, वो इस गाड़ी में है। बता। देखो देखो देखो, अपनी आंखों से देखो देखो। चाहो तो इसे ले जाओ, बच्चों को छोड़ दो। तू गेम को समझा ही नहीं। किस्मत मेरी तरफ है। किस्मत कभी भी एक तरफ ही नहीं होती। हेलो, देखो तुम्हारे कहे मुताबिक मैं डेविड भाई को छोड़ देता हूँ, बच्चों को कुछ मत करना। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं सर, बच्चे सेफ हैं, महालक्ष्मी भी सेफ है। मेरा नाम कृष्णा है। श्री कृष्णा तो कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए रथ चढ़ा था, तू किस लिए चढ़ेगा? समझे सर, अब आपकी क्या पोजीशन है? ऑर्केस्ट्रा। फोन। वहां पर राजनाथ का परिवार शादी की दावत दे रहा है और तुम यहाँ पर। खाने के बाद जरूर मार देना। तेरी तो करी डाल। सुहागरात की तैयारी कर।